हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंटिन्यू चल रहा हुआ है, जिसमें नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे नंबर 4। यदि पार्टनर फर्म से एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्रॉइंग विड्रॉ करता है, तो उस केस के अंदर हम किस प्रकार से उसका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वैसे ही सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एवरेज टाइम पीरियड है उसका कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर जो होता है 3 मंथ का होता है, एक साल के अंदर टोटल क्वार्टर कितने? 4 क्वार्टर होते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में लेता है तो रिमेनिंग जो टाइम लेफ्ट बच जाता है वो वहां पर कितना बच जाता है? 12 मंथ बच जाता है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में लेता है तो रिमेनिंग जो पीरियड है वो कितना बच जाता है? 3 मंथ बच जाता है। तो इस प्रकार टोटल यानी कि हम यहाँ पे क्या है, 15 हो गए 15/2 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पीरियड कितना आ जाएगा? 7.5। आगे यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए है उसने ड्रा किया है फर्म से 20,000 इच क्वार्टर, तो टोटल अमाउंट उसने ड्राइंग कितनी ली? तो जैसा कि एक साल के अंदर टोटल क्वार्टर कितने? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट है वो ड्राइंग की निकल आएगी जो 80,000 होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए फिर हम फार्मूला का यूज करेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 × 12। तो यहाँ पर 80,000 × 5, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 5 × 75, 10 दशमलव को खत्म करने के लिए हम नीचे 10 का यूज करेंगे, 10 दशमलव के लिए अपॉन 100 × 10 × 12। तो इस प्रकार उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ पर 2,500 फाइंड आउट हो जाती है। यदि जो पार्टनर है फर्म से विड्रॉ करता है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, उस केस में एवरेज पीरियड निकालने के लिए यदि फर्स्ट क्वार्टर तो बीत जाता है तो रिमेनिंग उसके एंड में लेता है तो 9 मंथ रिमेनिंग बच जाते हैं, 3 मंथ पास्ट हो जाते हैं। और लास्ट क्वार्टर के एंड में लेता है तो पीरियड कितना होता है? 0/2 करेंगे तो 9/2, और यहाँ पर जो एवरेज पीरियड है वो कितना? 4.5 आउट हो जाता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कितनी कैलकुलेट होगी, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल को ही हम बेस माने तो यहाँ पर 80,000 × 5 × 45, और 10 दशमलव को खत्म करने के लिए 10 को नीचे लेंगे, 100 × 12। तो यहाँ पे जो उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट होके आती है कितनी? 1,500 फाइंड होती है। अदर केस के अंदर यदि वो मिडल ऑफ इच क्वार्टर जो अमाउंट है विड्रॉ करता है तो उस केस के अंदर एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है। मिडल के इट मींस 1.5 मंथ वो पास्ट हो गया, रिमेनिंग मंथ कितने बच गए फर्स्ट ड्राइंग के ऊपर, उसने ड्राइंग ली तो 10/5, लास्ट ड्राइंग ली तो कितना रिमेनिंग बच गया पीरियड? 1.5/2, तो 12/2। तो यहाँ पे मंथ जो निकला एवरेज पीरियड है वो 6 मंथ का फाइंड आउट होगा। और यहाँ पे दूसरी है कि अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल को ही बेस माने तो इस प्रकार 80,000 × 5 × 6/100 × 12 करेंगे तो 2,000 है वो यहाँ पर उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन बच्चों यदि यहाँ पे केवल पार्टनर 6 मंथ ही ड्राइंग्स है वो विड्रॉ करता है तो यहाँ पर पिछले पीरियड को इसके अंदर पीरियड के साथ साथ हमने जो अमाउंट है एग्जाम्पल को वही ले लेते हैं, तो इसके बीच हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 20,000 है वो 6 मंथ लेता है पर मंथ के हिसाब से, तो 1,20,000 है वो यहाँ पर बन जाता है इसका 6 मंथ का। पीरियड की अगर बात करें
तो पहले जो विड्रॉ किया है तो 6 मंथ को कंसिडर करेंगे, तो जो अमाउंट पीरियड कितना बचेगा, 6 मंथ सेकंड लास्ट जो बचेगा वो 1/2, तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 3.5। तो इस प्रकार से हमने 1,20,000 × 5 × 35 upon 100 × 10 × 12 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग है वो 1,750 है, वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार वेरियस वे से एक पार्टनर जो ड्राइंग विड्रॉ करता है फर्म से, तो उसके हिसाब से हम एवरेज पीरियड डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट करके उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे को आशा है कि आपको यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।